यीशु मसीह के मोतबर नाम में आप सबकी खिदमत में एक बार फिर पास्टर जुनैद का सलाम। पिछली वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी, हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं भाई मैथ्यू से दरख्वास्त करूंगा कि पिछली जो गुफ्तगू हुई उसका खुलासा करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, एक बार फिर से खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबकी देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। पिछले 10 मिनट की वीडियो जो है टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो डिस्टरप्ट हो गई, लेकिन ये है कि जो हमने बात की थी उसका खुलासा पेश करूंगा मैं, फिर वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा है कि कल, जैसा कि आप सब जानते हैं, पादरी शफीक कमल साहब ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने जो 3 किताबें शाया की थी जिसमें बाइबल के खिलाफ जो है वो गलत और झूठी बातें लिखी हुई हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाई। तो पादरी शफीक साहब ने जब वीडियो बनाई उसके बाद मुझे और जयाद साहब को मुसलसल, उनको तो खैर आती होंगी कॉल्स और मैसेजेस भी, लेकिन हमें भी मुसलसल कॉल्स और मैसेजेस आते रहे। जितने भी मसीही पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं उन सबकी, और वो सब हमारा मौकफ भी जानना चाह रहे थे और ये भी चाह रहे थे कि हम पब्लिकली जो है अपने मौकफ को वाजे करें। तो भाई जयाल मसीह ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे आज दोपहर कॉल की, सुबह कॉल की, और उन्होंने कहा कि हम मिलकर वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, और मुझे बहुत पसंद आई ये बात। तो फिर हमने उसी प्लान को जो है अब ये हम अमलीजामा पहना रहे हैं। और अभी तक जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें भाई जयाल मसीह ने ये बताया था कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी वालों ने जब उनकी 150वीं सालगिरह थी तो उस मौका पर उन्होंने पीसी होटल में एक एक जो है दावत का या एक सरमनी का इनकार किया, और उसमें उन्होंने इस किताब को पेश किया, और ये उनकी 150 साल के बाद की उनकी ये काविश थी। और उसमें उन्होंने जो फिर बातें लिखी उनकी तरफ भी आगे हम जाएंगे स्क्रीनशॉट्स दिखा करके, जिन बातों की वजह से पादरी शफीक साहब मुकदमा करना चाह रहे हैं वो बातें क्या है। तो सबसे पहले तो उसमें मैंने ये बात की थी कि जितने भी मसीही हैं जो जज्बाती हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, उनका नुकसान कर देंगे बाइबल सोसाइटी वालों का, वो इस बात से बाज रहे हैं। हमारा या शफीक साहब का और हमारा भी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम लोगों में जो है वो इस तरह के जज्बात पैदा करें। हमारा मकसद ये था कि हम लीगल जो है कार्रवाई करें इस अमल के खिलाफ, और वो हम करेंगे। पादरी शफीक साहब ने सबसे पहले इस बात को उठाया और अभी भी वो ही इस बात की जो है सरबराही करेंगे। बाकी हम सब उनके साथ हैं, मैं साथ हूँ, मेरी टीम साथ है, जितने भी मेरे कांटेक्ट के लोग हैं, मेरे सर्कल के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, वो भी सब हमारे साथ हैं। तो हम सब साथ हैं पादरी शफीक साहब के इस बात में। और इसके अलावा जो है हमने जो एंथनी लेमियल साहब हैं उनकी बात भाई जयाल मसीह बता रहे थे कि उन्होंने अपने तारुफी जो किताब का तारुफ है उसमें ये बात कही है कि ये ऐसी अच्छी किताब है, खूबसूरत किताब है कि इसको पढ़कर मैंने सेमिनार्स दिए मुख्तलिफ जगहों पर, और जहां भी सेमिनार दिया है लोगों ने बरकत पाई और लोग कहते हैं कि आपने ये कहाँ से बातें सारी जो है हम तक पहुंचाई है। तो मैं उसमें ये कह रहा था कि बरकत अगर पाई होगी किसी ने तो वो तो मुसलमान अपोलोजिस्ट ही हैं जिन्होंने बरकत पाई होगी, इसलिए क्योंकि वही हैं जो हमारे साथ मुनाजरों के दौरान ये किताबें उठाकर हमें दिखाते हैं जिसमें मुतदबी बाइबल का जो इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने छापा है, तो ये 3 किताबें हैं, और ये मुतदबी कलाम मुकदस जो है इसका सबसे ज्यादा हवाला दिया जाता है, और ये कहा जाता है मसीहियों से, हमें कहा जाता है कि आप इस किताब को माने क्योंकि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की तरफ से छापी गई है किताब और ये हुज्जत है। तो इसमें इतनी गलत बातें लिखी, वो बातें क्या है आगे जाकर हम उनके स्क्रीनशॉट भी, अभी आपको किताब का जो नाम है वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, आगे जाके हम इन इसके अंदर जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी तक की हमारी जो है ये गुफ्तगू हुई थी, और उसमें एक बात और जो मैंने बताई थी वो ये थी कि आज से कोई 10-11 साल पहले भी एक ग्रुप था पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को जो है बाइबल को जो है पाकिस्तान में से खत्म करवा देंगे, और हमने उस वक्त भी उनकी प्रेस रिलीज तक मंगवा ली, और फिर मैंने और जिया साहब ने मिलकर हमने सेमिनार्स भी किए और लोगों को सिखाया भी कि किस तरह से आप बाइबल को डिफेंड कर सकते हैं। और उस वक्त भी हमने कहा था, उस वक्त भी हमारी आवाज थी कि बाइबल के खिलाफ अगर आपके कोर्ट में कोई भी जाएगा तो सामने हमें खड़ा पाएगा। हमारा आज भी वो वादा उसी तरह कायम है, आज भी जब बाइबल के खिलाफ और जब तक जिंदा है, जब तक खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा हुआ है, बाइबल के मसीह कायद के खिलाफ जब भी कोई इस तरह के मुकदमात करेगा या इस तरह की बातें करेगा तो हम साथ खड़े हैं, हम मिलके उसका उसका दिफा करेंगे, हम मिलके जवाब भी देंगे। तो इसके बाद जो है हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, ये सारी गुफ्तगू जो अभी तक हुई थी 10 मिनट में उसका खुलासा है।
आगे फिर भाई जयाल मसीह एक बात कर रहे थे, तो मैं भाई जयाल मसीह को ही स्क्रीन दूंगा कि वो जो फर्दर अपनी बात करते थे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जब ये सारी बातचीत हुई है, कि ये आज की बात नहीं है, इसको 8 माह हो गए कि हम बाइबल सोसाइटी वालों के पीछे लगे हुए थे कि आप प्लीज़ इस पे गौर करें। और मैं क्रिसमस से पहले जो था वो बाइबल सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं एंथनी जाज एंथनी एल लैमवेल साहब, तो उनका नाम है एंथनी एजाज लैमवेल साहब जो है, उनके साथ मैंने बात की। उन्होंने 2.5 घंटे मुझसे बात की और मैंने बताया कि ये मतलब सारी बातचीत जो है कि इस ये किताब जो आपने लिखी है मुतद बही कलाम मुकद्दस, ये तो बाइबल के ख़िलाफ़ है सारी, और इसमें तो फैसले दे दिए हैं आपने। और उन्होंने कहा ये मैंने तो नहीं लिखा, तो मैंने कहा आपने नहीं लिखा लेकिन आपने इसको प्रिंट किया है, आपके आपके इस मतलब अदारे की तरफ से इसको रिकमेंडेशन मिली है। और फिर जब हमने ने अभी किताब के ऊपर से पढ़ा, किसी के ऊपर लिखा है कि ये 150 साल तकरीबात के मौके पर शाया की गई है, और फिर एक क्या कहना चाहिए कि पुरताश या बहुत ज़्यादा महंगा डिनर जो था वो लोगों को उस वक्त दिया गया पीसी होटल में, और फिर ये किताब की रूनमाई की गई। तो जब इस किताब में जो स्क्रीन शॉट्स आप देखेंगे या पादरी फीकनवाल साहब ने भी उसमें दिए हैं, तो इसमें ऐसी ऐसी उन्होंने बातें लिखी हैं, लिखा है कि इवन के ये अभी तक लिखा है कि इसमें कोई एक आयत पर भी हम सारे जो मसीही हैं वो मुत्तफिक नहीं हैं। और ये भी लिखा है इसी किताब में कि इसमें बाइबल में कुछ 3 लाख के करीब गलतियां हैं। और ये भी इसी किताब में लिखा है कि जी यसु मसीह की बातों का कोई रिकॉर्ड बिल्कुल हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी भाई कि जी हम ये इसके स्क्रीनशॉट लगाएंगे, अभी स्क्रीनशॉट हाँ लगाते हैं भाई जी। ठीक है आप ठीक है, भी तो मैं स्क्रीनशॉट ये लगाते हैं लगा रहे हैं, तो लेकिन बात भी उस पे करना मेरा मतलब ज़रूरी है कि देखें इतनी ये ख़तरनाक बातें थी। और जब हमने इनको एहसास भी दिला दिया कि भाई ये बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप तो इन्होंने उल्टा डिफेंड करने लग रहे, और वहाँ पर भी 2.5 घंटे की मुलाकात में इन्होंने इस किताब को डिफेंड किया मेरे सामने, और बल्कि मुझे कहने लगे बाइबल के और मसाइल का भी जवाब दें। और मैंने जो पहले भी आपको बताया कि कहने लगे कि वो कौम बनी इसराइल जब मिस्र में से निकली थी तो वो तो उनके जेवरात लेके चले गए थे, तो ये तो धोखा हुआ उनके साथ, खुदा ने क्या ये धोखा करवाया। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने तो उनकी 430 साल की मजदूरी देनी थी और ये तो बहुत कम पैसे थे, ये तो खुदा ने इंसाफ करवाया था उनके साथ। तो फिर हंसने लगे और कहने लगे अच्छा अच्छा हम गौर करेंगे। तो यानी मुझे बिल्कुल लग रहा था कि मैं किसी मसीही से बात नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और इस किताब को डिफेंड कर रहे हैं जो उन्होंने लिखी भी नहीं लेकिन उन्होंने छापी है, और उसके ऊपर उन्होंने दिबाचा लिखा है और उस पर उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है दुआ गो एंथनी एजाज लैमवेल। और उन्होंने उसमें लिखा जैसा कि मैथ्यू साहब ने फरमाया कि उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो ये सेमिनार्स में जाके पढ़ाता हूँ और लोग बरकत ही बड़ी पाते हैं इससे। तो वो और हम ये भी बात कर रहे थे खास पॉइंट की कि ये इससे पहले कि ये किताब हम तक पहुंचती, मसीहियों तक पहुंचती, ये मुस्लिम डिबेटर्स ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उर्दू के जो मुस्लिम डिबेटर्स हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और हमें दिखाई। तो ये बात भी शक की है कि उनके पास ये पहले क्यों पहुंची और हमारी नज़र में ये पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि ये किताब में दरअसल बाइबल के खिलाफ ऐसा मवाद था जो उनकी बातों को तकवीयत दे सकता था। तो लिहाजा इसमें हम चेयरमैन जो साहब हैं हमारे लियाकत कैसर साहब, उनसे भी अप्रोच की, उनको वो फोटोकॉपी भेजी उनका औराक की, और फिर तारक वारा साहब जो FGA बाइबल स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा ये गलत है, तारक वारा साहब ने उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर बात करूँगा अपना चेयरमैन साहब लियाकत कैसर साहब से, वो मौजूद नहीं है फिलहाल। तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और फिर से 7-8 माह गुजर गए, और फिर रिसेंटली मैं अप्रैल के लास्ट में मैं उनके पास बैठा, तो जब मैंने दोबारा ये बात शुरू की जाकर एंथनी एजाज लैम्बल साहब से, तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप मेरे नंबर पे दोबारा वो व्हाट्सएप कर दें। तो मैंने उनके नंबर पे दोबारा व्हाट्सएप वो की, वही स्क्रीनशॉट जो अभी आपको दिखाएंगे ये मैथ्यू साहब, तो वो उन्होंने खोल के भी नहीं देखे, मैंने उसी दिन देखा, शाम को देखा, सुबह देखा, परसों देखा कि शायद उन्होंने वो खोल के देख लिए, लेकिन वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। और शफीक कमल साहब ने कहा कि जब ये दूसरा डायरेक्टर आया जो कि अब एंथनी एजाज लेमन साहब की जगह पर होगा नासर साहब, तो उनसे बात करते हैं, जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी इसका फैसला साहब ही करेंगे, मतलब सर एंथनी एजाज लेमन साहब ही करेंगे।
तो हमें फिर अंदाज़ा हो गया कि भाई ये कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना चेयरमैन साहब, ना कि सेक्रेटरी साहब इसका कुछ कर रहे, ना जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब है वो कुछ करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने ये वीडियो अपलोड की। और शफीक साहब ने जब मैंने उन्हें बात बताई कि मैथ्यू सुलेमान साहब मौजूद नहीं है मुल्क पाकिस्तान में और वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उन्होंने अपनी हिमायत का वहाँ से यकीन दिलाया, तो वो उन्होंने उन्होंने इस बात का बहुत शुक्रगुजार हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी तरफ से बहुत वेलकम कीजिएगा, वो कि वो यहाँ नहीं है और वो फिर भी हमारे साथ हैं, और आज का हमने ये प्रोग्राम बनाया कि लाइव हम आप सबसे बातचीत करें। जी, इसमें पादरी शफीक साहब ने एक और बात जो कही थी वो ये थी कि जब जो ये नासिर साहब है, नासिर साहब आपने नाम बताया ना, जो इनके नए हैं सेक्रेटरी, सेक्रेटरी है, हाँ जी, बात की जनरल बात, सेक्रेटरी। जब जब पादरी शफीक साहब ने उनके साथ बात की और उन्होंने कहा कि जी साहब ही बताएंगे, और साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब कहते हैं, यानी कि एंथनी लैमियल साहब कहते हैं कि ठीक तो है, बाइबल में क्या तब्दीलियां नहीं हुई। तो पादरी शफीक साहब की अगर आप वीडियो देखें, उन्होंने उसमें ये बात भी कही है। तो खैर, इस सारी बात में हमारा जो वाज़े मौकफ है वो आपके सामने मेरा ख्याल है अब तक आ ही गया होगा कि मैं भाई जियाल मसीह, हमारी हमारे ग्रुप्स, हमारी टीम्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सर्कल के लोग, हम सब इस बात में पादरी शफीक कमल साहब के साथ खड़े हैं। वो अकेले नहीं है, और वो कराची में, उनको कराची से अगर आना पड़ेगा लाहौर तो वो यकीनन आ जाएंगे, और हम भी लाहौर में रहते हुए हम जो कुछ कर सकेंगे लीगल तौर पे, हमें जो भी करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे। और इसी सिलसिले में आप किसी से भी, लाहौर वाले जो लोग हैं, पंजाब वाले लोग हैं, वो हमारे से भी राबता कर सकते हैं, भाई जियाल मसीह से या मुझसे राबता कर सकते हैं, और हमें साथ इकट्ठे होने की, खड़े होने की जरूरत है, और हमें जो है स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है। एक और बात, अगर कोई किसी को ये लगे कि हमें धमकाया जाएगा या हमारी किरदार कशी की जाएगी तो इन सारी बातों की वजह से हम खामोश हो जाएंगे, हम चुप हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, तो इस गलत फहमी को अपने जहनों से निकाल दें। जिसने जो करना है करके देख ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मसीह के लिए जीते हैं और हमारे लिए बड़े शर्फ की बात होगी कि अगर हम उसकी खातिर जान भी दें। तो जिसने जो करना है अपना शौक पूरा करके देख लें, हमें कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। मैं एक बात करता था अक्सर कि रसूलों के माल को अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जब रसूलों को गिरफ्तार किया गया, उनको मारा गया, उनको कहा गया कि यस्सू का नाम लेकर दोबारा मुनादी नहीं करनी, तो वो बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक बड़ा खास काम किया। आज हम जो खुदाम है, खुदा के खादमीन है, जब हम यस्सू मसीह के नाम की वजह से इज्जत पाते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि खुदा ने हमें इज्जत दी, यस्सू मसीह ने हमें इज्जत दी। लेकिन वो रसूल इतने दीवाने थे मसीह की मोहब्बत में, उन्होंने कहा वाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि उसके उसके नाम की वजह से हम जलील हुए, हमने मार खाई। तो इसी तरह से हमारा भी यही रवैया, और खुदा हमारे इस रवैये को इसी तरह रखे। हमारे लिए इससे बड़ी शर्फ की बात कोई भी नहीं होगी कि मसीह यसू की खातिर, उसके कलाम की खातिर अगर कोई हमारी किरदार कशी करे या हमें धमकाने की कोशिश करे, लेकिन हमने डरना कोई नहीं है। जो काम हमने शुरू किया है इसे हम तकमील तक पहुंचाएंगे, और खुदा हमारे साथ है इस काम में, हमारा पूरा ईमान है, और इसके साथ साथ हमें आपकी भी जरूरत है। बल्कि जो आला क्यादतें हैं, मजहबी क्यादतें हैं, जैसे कि कैथोलिक चर्च है, फिर इसी तरह चर्च ऑफ पाकिस्तान है, और फिर इसी तरह से जो पेंटिकॉस्टल चर्चेज हैं जितने भी, उन सबसे भी हम इस वीडियो की वसादत से, मैं और भाई जियाल मसीह, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसमें हमारे साथ खड़े हों और वो भी अपना किरदार जो है वो अदा करें। और इसलिए क्योंकि जितने भी बड़े बिशप साहिबान हैं, मैं समझता हूँ कि वो असर रसूख रखते हैं, और जब वो अपनी कलीसिया में, खसूसी तौर पे पादरी अनवर फजल साहब जो हैं, उनके लिए भी हमारा ये पैगाम है, उनको भी इसमें जो है वो दावत देते हैं कि हमारे साथ आए और खड़े हों और इस पे एक्शन लें। हम सबको इसमें मिल के खड़े होना है, ये किसी एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है। आपसी इख्तलाफात जितने भी थे, छोटी बातों पर थे या जो भी मसले मसाए थे, उन सबको भूल जाए, आप सबको पीछे रख दें। यहाँ पर कलाम की गैरत की बात है, और कलाम मुकदस में जो बात लिखी हुई है कि वो मेरे कलाम की समझ तो रखते हैं लेकिन गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। तो अब हमारे पास मौका है कि हम समझदारी का मुजाहिरा भी करें। हमें सारे इख्तलाफात को, हर किस्म के डिनोमिनेशनल कॉन्ट्रोवर्सीज को पीछे रखकर हमें साथ खड़े होना है, हमें एक साथ जो है आगे बढ़ना है, और हमें एक साथ ही ये जो फाइट है इसको फाइट करना है। और मेरी पास्टर जुनेद साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई जुनेद, आप प्लीज वो स्क्रीनशॉट्स भी लगाइए जो दो तीन है, और उनको पढ़ के सुना दीजिए प्लीज, ताकि जो देखने वाले उनको पता चल जाए। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा, चंद एक लोगों ने कहा कि पता नहीं इस तरह की बातें लिखी भी हैं कि नहीं, हमें क्या बताओ,
क्या बताए, शोहरत लेने के लिए या चीप पब्लिसिटी के लिए जो है शफीक कमल साहब ने इस तरह से किया हो, तो ऐसी किताबें दिखाकर जो है वो नाम लेते जा रहे हैं कि इसमें ये लिखा है या वो लिखा है। तो हम उनको बाकायदा चाहते हैं कि उनको तस्वीरें दिखाई जाएं उन पेजेस की, खसूसी तौर पे जहां पर ये बातें लिखी हैं, और फिर भी किसी की तसल्ली नहीं ना होती। आप ऐसा करें कि खुद पर एक एहसान करें, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी जाएं, वहां से 3 कुतब खरीदें, जो आपको पेजेस दिखाए गए हैं या जो सफों के नंबर आपको दिखाए गए हैं उनको खोल कर पढ़ लें, आपकी तसल्ली हो जाएगी। समेत मैंने उन्हें उनकी तस्वीरें जो है ना वो शेयर कर दी हैं, और इन्हें ढूंढने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो लिखा कहाँ हुआ है। तो बहुत आसानी है कि आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाएं और आप देखें, चाहे मेरे पेज पे चले जाएं तो आपको वो नज़र आएंगे। और जैसा कि आपने फरमाया कि हम सब पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन को दावत देते हैं कि वो इस काम में अपना मौक़िफ जो है वो दें और बताएं, और बहुत से लोगों ने हमें हम अपनी हमायत का यकीन भी दिलाया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम बड़े चर्चेज की तरफ से भी तवक्को रखते हैं, ख़ासतौर पर चर्च ऑफ पाकिस्तान, ARP, इनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो सामने आए और कम अज़ कम अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी मजम्मत ही कर दें। जी पादरी साहब, आप प्लीज स्क्रीनशॉट दिखाइएगा स्क्रीन पे। जी बहुत शुक्रिया भाई मैथ्यू और पादरी जियाउल मसीह साहब। अभी नाजरीन आप देख रहे हैं, एक किताब का स्क्रीनशॉट आपके सामने है, मुतद्दद बही कलाम मुकद्दस। इस किताब के कुछ औराक हम आपके सामने दिखाएंगे और उसमें से मैं कुछ को थोड़ा एक दो सत्रों को का मुतालिया भी करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और क्यों ये सारा मामला जो है इस कदर उठाया जा रहा है। मुतद्दद बही कलाम मुकद्दस के सफा नंबर 123 में, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा इससे पहले कि मैं इसे आपके सामने पढ़ सकूं। आप देखिए सफा नंबर 123 में लिखा है, कोई एक आयत नहीं है जिस पर सारे कलमी नुस्खे यानी यूनानी नुस्खे, तलावत नामों के नुस्खे, दीगर जुबानों के नुस्खे और आबाए कलीसिया की तसानीफ में इकतबासात मुत्तफिक हो। जिसका मतलब यह कि कोई एक आयत भी नहीं है जिसमें सारे नुस्खे जो है वो मुत्तफिक हों कि वो सही है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा एक और पेज दिखाता हूँ। ये सफा नंबर 123 था। इसके बाद हम देखते हैं सफा नंबर इसी किताब का, सफा नंबर 125 में लिखा हुआ है, यसु मसीह का जिस्मानी यहां से देखते हैं, उसके वालिदैन को खबर ना थी, चूंकि यूसुफ यसु का जिस्मानी या तबई बाप नहीं था, इसलिए किसी ने उसके वालिदैन की बजाय तसर्रफ करके यानी तब्दीली करके ये किया है। तो ये तब्दीलियां जो है इसमें लिखा गया कि तब्दीलियां की गई हैं। ये सफा नंबर, अब अगला सफा जो है ये 125 है, जिसको अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। इसके बाद मैं देखता हूं एक और पेज है हमारे पास, सफा नंबर 121, जिसका तज़करा पादरी शकील शफीक कंवल साहब ने भी किया था। लिखा है कि नकल नवीस जिन्हें मुंशी कहा जाता था, वो इन तहरीरों को पाक नविश्ते ख्याल नहीं करते थे। ये सफा नंबर 121 है मुतद्दद बही कलाम मुकद्दस का। वो फकत पौलूस या पतरस के किसी खत की या अपने जैसे किसी मसीही की लिखी हुई इंजील की नकल कर रहे होते थे। इसका मतलब है कि वो सहवन गलती करने के अलावा बाज औकात इरादतन तब्दीलियां भी कर देते थे। ये सारी बातें जो हैं इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और नुस्खे भी हैं। मैं जैसा कि जी भाई मैं चाहता हूँ कि आप सफा नंबर 127 अगर आपके पास है तो वो भी पढ़ें। ज़िया भाई मेरे पास एक सफा नंबर 127 नहीं है, मेरे पास 121, 23, 25 और 29। अच्छा चले मैं पढ़ता हूँ। सफा नंबर 27 में लिखा है, नए ऐदनामों की तहरीरों के मौजूदा नुस्खों में पाई जाने वाली सारी इख्तलाफी की रात का पूरा शुमार किया गया, लेकिन एक मशहूर मतनी निकात के अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 3 लाख तक है। अच्छा, और ये ब्रैकेट लगा लगा के इन्होंने बात की है, और ये जो आपने पढ़ा था ना कि कोई एक आयत नहीं है जिस पर ये सारे कलमी नुस्खे, उसकी ब्रैकेटों में ये लिखा है कि गलती ना खा जाए कि कलमी नुस्खे कौन कौन से हैं। लिखा है वो यूनानी नुस्खे, तलावत नामों के नुस्खे, दीगर जबानों के नुस्खे, यानी कि सारी लिस्ट लिख दी है कि सारी लिस्ट में कोई एक ऐसी।
یعنی کہ خود اس کے کامنٹس ڈالے ہوئے ہیں اور پھر اس کتاب کو پرنٹ کر کے پی سی میں اس کی رونمائی کر کے اسے سب سے پہلے مسلم اپولوجسٹس کے پاس پہنچا دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الزامات بائبل مقدس کے اوپر لگائے گئے ہیں, خدا کے فضل سے جب وقت آئے گا تو آئیں گے کہ ان میں کتنی صداقت ہے یا کتنی درست, تو یہ جب وقت آئے گا تو ہم ضرور بتائیں گے. جی آگے میں بھائی ضیاء ایک منٹ ذرا, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں بھائی ضیاء کا موقف میں ضرور لوں گا. ان تین کتابوں میں سے ہم نے ایک کتاب کے کچھ نسخے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. میں اس وقت یہاں آپ سب کے سامنے متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی سے پاسٹر جنید ہوں. میں اپنی طرف سے, میرے ساتھ پاسٹر ڈیوڈ جم صاحب جو کراچی سے ہیں, پاسٹر سنی اقبال صاحب جو کراچی سے ہیں, پاسٹر ولیم مسیح صاحب اور متعدد دوسرے خادمین, ان سب کی طرف سے یہ اس میں تائید کا اعلان کرتا ہوں کہ میں, میرے ساتھ باقی سب خدام جو یو اے ای میں ہیں وہ پادری شفیق کمل صاحب کے ساتھ ہیں, بھائی میتھیو کے ساتھ ہیں, بھائی ضیاء المسیح کے ساتھ ہیں, اس مقدمے میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی بھائی ضیاء آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بالکل ہم تو جواب پہلے سے دیتے ہیں کہ یہ سطحی باتیں ہیں, لیکن اگر کوئی مسیحی لبادہ اور کے اور مسیحیوں کا نمائندہ بن کر یہ باتوں کی حمایت کرے تو یہ خطرناک بات ہے. اس سے بہتر ہے کہ کوئی کسی اور جگہ چلا جائے اور پھر دوسرا مذہب اپنا لے اور پھر چاہے ہم سے ان پہ بات کرے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. جی بھائی میتھیو آپ, میرا خیال ہے ہم نے جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے تفصیل سے کر لیا ہے, اگر آپ کلوزنگ ریمارکس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ابھی وقت. کلوزنگ ریمارکس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ پادری شفیق کمل صاحب نے جو آواز اٹھائی تھی انہوں نے انیشیٹو لیا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور لاہور میں پنجاب میں جتنے لوگ ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے, بھائی ضیاء المسیح سے, اور جتنے بھی لیگل کاروائی جتنی بھی ہوگی ہم اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پاسٹر جنید صاحب کا اور جو یو اے ای کی کلیسیا ہے پاکستانی ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی حمایت کا, اپنی تائید کا جو ہے اظہار کیا. اور اسی طرح سے ملیشیا والوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی ساتھ ہیں اس میں, بھرپور طریقے سے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, لیکن ان کو میں ساتھ لائیو لے کر تو پھر ویڈیو ان کے ساتھ بناؤں گا. اور اس طرح سے اور نیوزی لینڈ سے بلکہ مجھے صبح کال آئی, اور اسی طرح سے آسٹریلیا سے مجھے کال آئی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بھرپور طریقے سے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم پادری شفیق صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. ایک اور بات بتاتا چلوں, شفیق صاحب نے اپنی ویڈیو میں اپنا نمبر دیا ہوا ہے, تو جو لوگ ہمیں میسیجز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نمبر دیں ہمیں, اگر سے ہم نمبر دے دیں گے لیکن آپ ویڈیو کے اوپر سے بھی ان کا نمبر لے سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. جو مین سٹریم چرچ ہے, جو مین لیڈرشپ ہے, کیتھولک چرچ ہے, چرچ آف پاکستان ہے, پینٹیکوسٹل جتنے بھی ڈینومینیشنز ہیں, چرچز ہیں, اسمبلیز آف گاڈ ہے, ایف جی اے, وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمیں خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, اور اس سارے معاملے میں خدا سے ہمارے لیے اسٹرینتھ بھی مانگیں کہ ہم کہیں بھی ڈگمگائیں نہ, ہم کہیں بھی جو ہے کسی بات سے گھبرائیں نہ, بلکہ جو پیشن, جو دلیری اور قوت اور ارادہ ہمیں خدا نے بخشا ہے یہ اسی طرح سے رہے, بلکہ بڑھتی رہیں یہ چیزیں, یہ کم نہ ہو. تو یہی کلوزنگ ریمارکس سے مجھے کہنا ہے. بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی بات چیت رہی. اور دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں, انہوں نے بائبل کے پر ہیڈنگ بھی لگائے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو نئی بائبل پرنٹ ہوئی ہے اس پہ ہیڈنگ بھی لگائے ہیں. اگر خدا نے موقع دیا اور آپ نے کوئی پروگرام ارینج کیا کہ ہم تینوں اکٹھے ہوں تو میں آپ کو وہ ہیڈنگز بھی بتاؤں گا جو کہ متنازع ہیڈنگز انہوں نے بائبل پر لگائے ہیں. لیکن فی الحال ہم اسی پہ اپنا فوکس رکھیں گے اور اسی کے لیے ہم فائٹ کریں گے. ہم شکر گزار ہیں کچھ چرچز نے ہمیں اپنی حمایت کا یقین دلایا اور پاکستان کی ساری عوام نے میسیجز میں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں نے فون کالز کر کے, واٹس ایپ پہ گوکھے, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی وہ بہت امیر لوگ ہیں, وہ بہت ریسورسز والے ہیں, ان کے حکومت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا ان کے دائیں مطلب کیا کہنا چاہیے بائیں ہاتھ کی ان کی کھیل ہوگی. تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ دیکھیں ہم نے بہت سے خطرات دیکھے ہوئے ہیں اور اپنے مسیحی ایمان کے لیے ہم کسی خطرے سے نہیں ڈرتے, لیکن وہ بات جیسا کہ میتھیو کہہ رہا تھا کہ پھر بھی اگر ہم
اس جنگ میں مر گئے تو ہمارے ہمیں ضرور شہید کے طور پر یاد رکھے گا. جی بہت شکریہ بھائی ضیاء. آخر میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں ہے, یہ کلام مقدس کے ساتھ غداری ہے, یہ مسیحیوں کے ساتھ ایک غداری ہے, یہ خدا کے ساتھ ایک غداری ہے. اس میں ہمارا ساتھ دیجیے, خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. بہت بہت